आज के इस वीडियो में हम गेम उक्तक काव्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं हम कि गेम उक्तक काव्य किसे कहते हैं। तो गेम उक्तक काव्य में भाव, जो गेम उक्तक काव्य है उसमें भाव संगीत की प्रमुखता होती है। यहाँ प्रेम और करुणा आदि भावों पर आधारित होते हैं। जो गेयम उक्तक काव्य है वहाँ प्रेम, करुणा आदि भावों पर आधारित होते हैं। जो गेयम उक्तक काव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध गीत और प्री प्रगति प्रबंध। जो कबीर और कुछ बताया, कुछ उदाहरण हैं गेयम उक्तक काव्य के, कबीर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान, बच्चन, पंत आदि। जो ये कवि लेखक है जो उक्तक काव्य के उदाहरण हैं, आदि के गीत गेयम उक्तक काव्य के उदाहरण हैं। हम गेयम उक्तक काव्य की विशेषताएं पढ़ते हैं। पहली विशेषता है कि गेयम उक्तक काव्य को आसानी से गाया जा सकता है। पहला पॉइंट क्या है कि गेयम उक्तक काव्य को आसानी से गाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट बनेगा कि ये गेयम उक्तक संगीत या लय के आधार पर लिखे जाते हैं। तो कंफर्म बात है कि जो गेयम उक्तक है वह संगीत या लय के आधार पर ही लिखे जाते हैं। तीसरा पॉइंट कि इन्हें गीति काव्य भी कहा जाता है। तो गेयम उक्तक काव्य को किस नाम से भी जाना जाता है, गीति काव्य भी कहा जाता है। सूर, तुलसी, मीरा के पद गेयम उक्तक काव्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सर्वश्रेष्ठ आपसे पूछ ले कि गेयम उक्तक काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, लेखक कौन है, तो आप बता देना सूरदास, तुलसीदास और मीरा। या ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है आपसे, एक नंबर में एक नंबर ऑब्जेक्ट के अनुसार भी। और जो गेयम उक्तक काव्य को किस नाम से भी जाना जाता है, तो गीति काव्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे गेयम उक्तक काव्य की विशेषता है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद गेयम उक्तक काव्य की परिभाषा और उसके प्रकार है, भेद है और कुछ उदाहरण है गेयम उक्तक काव्य के, तो इनके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट करेगा।